नमस्कार, मैं हूं एस के मालवी और आप देख रहे हैं S24। S24 में बहुत स्वागत है आपका। सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। भोपाल बार एसोसिएशन के चुनाव 8 जनवरी 2024 को होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले सभी अधिवक्ताओं को बुलाकर एक संवाद कार्यक्रम रखा, जिसमें लगभग 300 अधिवक्ताओं को बुलाया गया और सभी का परिचय एक दूसरे से परिचय कराया गया। साथ ही संवाद भी किए गए, जिसमें चुनाव लड़ने वाले महिला पुरुष अधिवक्ताओं ने अपना अपना परिचय दिया और दूसरे अधिवक्ताओं के प्रश्नों का जवाब भी दिए गए। इस कार्यक्रम के आयोजक एडवोकेट शिव पूजन और अनुराग दुबे हैं। मंच संचालन शिव पूजन जी ने किया। आइए सबसे पहले जानते हैं एडवोकेट शिव पूजन से कार्यक्रम की रूपरेखा। देखिए इसके मालविया की खास रिपोर्ट। लेकिन इस बार कैंडिडेट हैं 6 अध्यक्ष के लिए हैं, उसी प्रकार से उपाध्यक्ष 6 हैं और सचिव भी 6-7 हैं और आपके कार्यकारिणी लोग हैं जी। ये चुनाव कब है? चुनाव 8 जनवरी को है। 8 जनवरी को जी। समय रहेगा उसका? इसका सुबह 8 बजे से 6 बजे तक वोटिंग रहती है, फिर नेक्स्ट डे इसका रहता है काउंटिंग का। काउंटिंग 2 दिन रहेगी, 9 तारीख का जो पदाधिकारी रहते हैं उनकी काउंटिंग रहती है, अगले दिन जूनियर और सीनियर लोगों की काउंटिंग इस बार होगी। कुल कितने मतदाता हैं? 4200 के लगभग मतदाता है। सर, जैसे कि आप पिछली बार कार्यकारिणी बनी थी कंप्लीट द्वारा, सबके द्वारा कौन से ऐसे कार्य थे जो वो लोग पूर्व वाले अध्यक्ष नहीं कर पाए? हमारा सबसे बड़ा, हमारे पूरे भोपाल बार का सबसे बड़ा जो मांग है कि हमें एक प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, तो प्रोटेक्शन एक्ट किसी प्रकार से लागू नहीं हो पाया जबकि दूसरे स्टेटों में लागू हो गया। तो हम लोग की सबसे बड़ी मांग यही है कि शासन प्रशासन स्तर पर, गवर्नमेंट अपने स्तर पर प्रयास करे कि प्रोटेक्शन एक्ट जिस प्रकार से डॉक्टरों का है, अन्य लोगों का है, तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। और भी बहुत सारी मांगे हैं। हम लोग ये कार्यक्रम, हम और अनुराग दुबे, मैं शिवपूजन सिंह और अनुराग दुबे, ये कार्यक्रम हम विगत कई सालों से आते आ रहे हैं और सभी अधिवक्ताओं के जो प्रत्याशी होते हैं, हम किसी के साथ बिना भेदभाव के सभी को ओपन मंच देते हैं कि आप अपनी बात रखिए, अपने मुद्दे रखिए और अधिवक्ताओं से ऐसे कमिटमेंट करिए जो आप समय सीमा 2 साल के अंदर उनको पूरा कर सकें। इसके लिए ये कार्यक्रम हम विगत सालों से करते आ रहे हैं, जिसका नाम हमारा मुक्ताकाश है। पहले भी कमिटमेंट किए थे? पहले, इससे पहले हमारे डॉक्टर पीसी कोठारी जी ने कमिटमेंट किए थे, 10 पॉइंट थे जिसमें से 70% उन्होंने कमिटमेंट पूरा किए हैं। इस प्रोग्राम की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस प्रोग्राम में आके उन्होंने कमिटमेंट किया और उसको उसी दिन से जीतने के बाद से वो उस कार्यक्रम में लगे और लगभग 2 साल के अंदर 70 से 80% हमारे जो मांग की गई थी सभी अधिवक्ताओं के की उनको पूरा किए। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। एडवोकेट भोपाल बार एसोसिएशन में हूँ, सीनियर एडवोकेट के पद पे हूँ, सुप्रीम कोर्ट का भी वकील हूँ, भारत के उच्चतम न्यायालय का, दिल्ली और यहाँ हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का वकील हूँ। मैं भोपाल बार एसोसिएशन के भी चुनाव जो होने जा रहे हैं हमारे अधिवक्ताओं के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, उसमें मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। अध्यक्ष पद के लिए मैंने ये निर्णय बनाया था, सोचा था कि इस बार मैं अध्यक्ष पद में आकर के वकीलों के लिए बहुत से कार्य करूँगा। वकीलों अधिवक्ता भाइयों के लिए उनकी योजना है, उनके लिए जो मैंने प्लान है, अभी मैं अधिवक्ता संवाद जो होंगे इसमें अपने डिस्कस करूंगा कितने कुछ मैं चाहता हूं वकीलों की योजना ला करके क्या क्या कार्य कर सकूंगा। मेरे साथ जो कार्यकारिणी आएगी, नई कार्यकारिणी, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है मैं चुनाव जीत रहा हूँ उस भोपाल बार के लिए अध्यक्ष पद के लिए। और मेरी वाइफ मेरे साथ हर जगह जा जा के वकीलों से मिल मिल के मेरे लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मेरे पति राजेश कुमार टंडन जी भोपाल बार के अध्यक्ष मैदान में खड़े हैं और इस बार चुनाव में 5 प्रत्याशी हैं जिसमें मेरा भी नंबर 1 पे सबसे ऊपर हाईलिस्ट हो गया हूँ, हाईलाइट हो रहा हूँ। सभी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे राम के प्रेमी, धर्म प्रेमी लोग, मेरे अधिकता भाई लोग जो हम मेरे बहुत नज़दीकी हैं, और सारे मेरे को चाह रहे हैं कि इस बार राजेश कुमार टंडन जी को अध्यक्ष पद पर लाना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आकर के वकीलों के भाइयों के लिए सहृदय से कार्य करूँ। बहुत सारी योजना है जो मैं अभी संवाद में बोलूँगा अधिकता संवाद में, तो मैं चाहता हूँ आदरणीय मेरे लिए जो भी मैं वकीलों के अलावा समाज जन सेवा में इस योगदान को दूंगा अध्यक्ष पद में बनने का, सबका सहयोग करूंगा। जहां भी न्याय की बात में खरी आएगी मैं करने को तैयार रहूंगा, सबके लिए मैं जी जान से सहयोग दूंगा। मेरी कुल मतदाता हमारे यहाँ 4653 समथिंग है, वैसे वकील 8000 से ऊपर है, पर 4653 मतदाता जो अपना मतदान करेंगे इस भोपाल बार के चुनाव में। हाँ, मतदान 4 और 5 जनवरी को टेंडर वोटिंग होगी, 4 और 5 को जो टेंडरिंग होती, जो वकील यहाँ अवेलेबल होंगे
उनके लिए कल 4 को भी है टाइम, 5 को भी है, और मेन मतदान जो होगा 8 तारीख को जो होने जा रहा है 2024, 8 जनवरी 2024 में, तो उसमें सब मतदाता जो हैं जो वोट डालेंगे वो 8 जनवरी को ज़्यादा ही डालेंगे। और मुझे आशा है कि मेरे लिए अधिकताओं ने बिल्कुल मुझे सहयोग देने का प्लान बनाया है। अधिकता और जो बार भोपाल बार ईश्वर अधिकता संघ जो हमारा है उसमें अध्यक्ष पद के लिए मुझे गिनती में रख लिया है। अध्यक्ष पद के लिए मेरे चाहते लोग हैं, वोटों की गिनती 9 को हो जाएगी और 9 को ही पूरे पदाधिकारियों की गिनती कर ली जाएगी। उसके बाद आगे जो कारकर्णी में है, जूनियर कारकर्णी है, सीनियर कारकर्णी में है, उनकी आगे गिनती होगी। हमारे अधिकताओं ने कहा था कि पहले कारकर्णियों की करा ले, जूनियर कारकर्णी वरिष्ठ कारकर्णी, पर हमारे जो चुनाव अधिकारी ऑफिसर हैं भोपाल कोर्ट में जो हमारा चुनाव करवा रहे हैं, उनका मत उनका ये विचार है कि पहले तो जो पद पे बैठे पद अधिकारी बनना चाह रहे हैं, जैसे अध्यक्ष पद की पोस्ट पे वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सह सचिव, सेक्रेटरी या उसमें से कोष अध्यक्ष हैं या लाइब्रेरियन के पद पे बैठे, तो उनकी पहले पदाधिकारियों की गिनती हो जाएगी। तो 9 तक प्रत्याशी अध्यक्ष के लिए खड़े हैं, 5 प्रत्याशी हम लोग अध्यक्ष के लिए खड़े हैं। मैं राजेश कुमार टंडन हूँ। तो आप मानते हैं कि इनसे आपका कोई मुकाबला किसी तरह से? मेरा मुकाबला इनसे अच्छा हो रहा है, मैं अच्छी फाइट कर अच्छा मैं मैदान में होकर के, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि युद्ध के मैदान में आगे बढ़ना है। तो इन लोगों को चुनौती नहीं मानते? मैं अपनी जीत को मैं निश्चय देने से कहता हूँ कि मेरी जीत होने का पूरा मुझे उम्मीद है। मेरी वाइफ भी मेरे से इसमें लगी है चुनाव में, तो वो भी चाह रही है कि मेरे पति को ज्यादा से ज्यादा अधिकता संघ भोपाल बार एसोसिएशन चाह करके अध्यक्ष पद पे मुझे सम्मानित करेंगे, तिलक लगाएंगे। मैं एडवोकेट प्रीनाथ पाठक, अध्यक्ष पद का उम्मीदवार भोपाल अधिवक्ता संघ भोपाल के वर्तमान चुनाव में। मेरा सबसे प्रमुख विषय यह है कि मेरा ये मानना रहता है कि आम अधिवक्ता का हित जो है वो सत्ता परिवर्तन से कभी नहीं हो सकता, उसके लिए व्यवस्था परिवर्तन बहुत जरूरी है। और अगर मैं भोपाल बार का अध्यक्ष बनता हूँ तो भोपाल बार में वर्तमान समय में लागू व्यवस्था में पूरी तरह परिवर्तन कर दूंगा। संजय श्रीवास्तव है, संजय कुमार श्रीवास्तव। मैं अभी जो इलेक्शन हो रहा है भोपाल बार का, उसमें उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और भोपाल बार में वर्ष 1993 से वकालत का काम कर रहा हूँ। भोपाल के लगभग सारे न्यायालयों में मेरे केसेस आज भी हैं, बरसों से काम कर रहा हूँ। तो आप प्रत्याशी के रूप में उपाध्यक्ष वरिष्ठ भी हैं, तो ये बताएं ऐसे कौन से विषय हैं जिनको लेकर आप आधार क्या है चुनाव लड़े? देखिए क्या होता है, जहाँ किसी भी लोगों का समूह होता है वहाँ समस्याएं भी होती हैं। अभी वर्तमान में जो मेरी नज़र में समस्याएं हैं भोपाल में, वो सबसे बड़ी समस्या है मेरे नए साथियों की, जिनको सीट अलाट नहीं हो रही है, सिटिंग अरेंजमेंट की समस्या है, तो उनको सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्थाएं करवाना है। दूसरी समस्या है हमारे यहाँ पार्किंग की, तो पार्किंग व्यवस्थित करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। तीसरी जो समस्या मेरे नज़र में आई है, वो अभी हमको जो चिकित्सा सहायता राशि मिलती है वो अभी बहुत कम मिलती है, लगभग 50,000 के लगभग मिलती है, तो मैं चाहूँगा कि वो बढ़ाई जाए, क्योंकि जो नए अधिवक्ता आते हैं कभी अनफॉर्चुनेटली कोई बीमार हो जाए, किसी की कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसको बाहर की तरफ से सहायता मिलना चाहिए और अच्छी सहायता मिलना चाहिए। ये सभी लोग जानते हैं कि आज इलाज बहुत महंगा है, और जो भी अधिवक्ता है उसको ऐसा ना लगे कि मैं घर से मांग के अपना इलाज करा रहा हूँ। मैं अमित कुमार सिंह छारी, मैं राष्ट्रपति संस्थान से 2009 में लॉ किया है, मैं वरिष्ठ कार्यकारिणी पद के लिए खड़ा हुआ हूँ और मेरा सरल क्रमांक 3 है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपना बहुमूल्य वोट मुझे प्रदान करें, धन्यवाद। सभी से आग्रह है एक बार मुझे मौका दीजिए, सोशल एक्टिव वोट करता हूँ मैं, मगर आज मुझे मौका मिला है आपके बीच में आने का, तो मैं भी निवेदन करना चाहूँ एक बार मुझे मौका जरूर दें। मेरा सरल क्रमांक 4 है, मेरी बैठक 348 लाइट चैम्बर्स में है, बाकी आपके बीच में आपका आकांक्षी वोट का धन्यवाद। सभी आदरणीय सम्मानीय अधिवक्ताओं को मेरा स्वागत प्रणाम। मैं विभा श्रीवास्तव दो लाइन कहना चाहूँगी, उसके बाद बताऊँगी कि मैं किस पद के लिए हूँ। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी, ना थके कभी पैर ना हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफल जाना है।
मैं विभा श्रीवास्तव वरिष्ठ महिला कार्यकारिणी के पद के लिए प्रत्याशी हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपका अमूल्य मत मुझे समर्थन आशीर्वाद के साथ दें। धन्यवाद। सुभांगी शर्मा जी, अध्यक्षगणों को मेरा सादर नमस्कार। सर्वप्रथम नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शुभांगी शर्मा, गेट नंबर 2 पे मैं प्रैक्टिस, गेट नंबर 2 पे मैं बैठती हूँ। मेरे सीनियर संजय श्रीवास्तव अरुण श्रीवास्तव हैं। 2001 से मेरा रजिस्ट्रेशन है और मैं एग्जाम्स के चक्कर में रेगुलर कोर्ट नहीं आती थी, हॉफ डे में कोर्ट आया करती थी, लेकिन पिछले 7 सालों से मैं रेगुलर आ रही हूँ। मैं वरिष्ठ कार्यकारिणी पद की प्रत्याशी हूँ। अपना अमूल्य मत लेकर मुझे विजय देना है। धन्यवाद। मैं 2013 से रेगुलर प्रैक्टिसनर एडवोकेट हूँ। प्लीज अपना आप बहुमूल्य वोट देकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। थैंक यू। संजू मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय अधिवक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं संजू मिश्रा, मेरा क्रमांक है 5 और मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सब लोग मुझे अपना वोट दें और ये मुझे विश्वास भी है। और थैंक्स मुक्ताकाश के लिए जो उन्होंने हम सबको एक साथ यहाँ पर अपना परिचय देने के लिए एकत्रित किया है। और यहाँ पर जो मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं उनका तो मुझे आशीर्वाद के साथ साथ जितने उनके एसोसिएट्स में भी हैं वो सब भी चाहिए। मैं सीनियर एडवोकेट अजय मिश्रा सर जबलपुर हाईकोर्ट में हूँ, उनकी जूनियर हूँ और मैं उस हिसाब से मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जितने भी अधिवक्ता साथी हैं मुझे पूरा वोट देकर पूरा विजयी बनाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा नाम मोहन इच्छेद है। मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आप सभी लोगों का आशीर्वाद मतदान आकांक्षी हूँ। मेरा सर क्रमांक नंबर 11 है और मैं कोर्ट में गेट नंबर 5 में LVS परिसर में बैठता हूँ। हर्षित यादव जी, हेलो। फर्स्टली मैं शिव पूजन भैया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक शानदार आयोजन किया भैया। और यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ एवं मेरे साथी अधिवक्तागण, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आगामी द्विवार्षिक जिला अभिभाषण चुनाव भोपाल में कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद हेतु प्रत्याशी हूँ। मैं हर्षित यादव अधिवक्ता सुपुत्र वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदामा यादव जी उपस्थित हैं आप सभी के सामने। मैं वासवानी जी को भी सादर प्रणाम करना चाहूँगा, उपाध्याय जी को भी प्रणाम करना चाहूँगा, दीपक खरे साहब को भी प्रणाम करना चाहूँगा। अभी सभा में उपस्थित हुए थे राजेश व्यास जी भी, उन्हीं को भी मैं सादर प्रणाम करना चाहूँगा। और मैं आप सभी से आपके आशीर्वाद रूपी अमूल्य मत का आकांक्षी हूँ। धन्यवाद। सहयोग आशीर्वाद और बहुमूल्य मतों से विजय बनाए। मैं 2018 से प्रैक्टिशनर हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गेट नंबर 1 पे मेरी सीट है और मेरा सीरियल नंबर 4 है। धन्यवाद। सभी सम्मानीय अधिवक्तागणों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रचना ठाकुर है। मैं महिला कनिष्ठ कार्यकारिणी पद की प्रत्याशी हूँ और मैं 3 नंबर गेट पर बैठती हूँ। मैं सती सहेली और मुकेश सिंह सर के साथ वकालत करती हूँ और मैं 2014 से रजिस्टर्ड हूँ। प्लीज़ अपना बहुमूल्य मत आशीर्वाद और समर्थन देकर मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। धन्यवाद रचना जी। मेरा नाम ऋचा पांडे है। मेरा सरल क्रमांक नंबर 6 है। मैं महिला कनिष्ठ कार्यकारिणी पद की प्रत्याशी हूँ। मुझे आप अपना वोट और आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। बोले पूनम जी बोलिए। जी सर, मैं पूनम पगड़े कनिष्ठ कार्यकारिणी की प्रत्याशी, मुझे अपना अमूल्य वोट देकर विजय बनाए। दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते हैं पूर्व सचिव महोदय। हर किसी कार्य करने का एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है, नियम निकल जाते हैं। आम सभा की बैठक में आप सभी लोगों के मत लिए जाते हैं और उस मत के अनुसार उसके कार्य करने के नियम भी निकलते हैं। संशोधन सदैव हुआ है और संशोधन आगे भी होता रहेगा यदि आम सभा चाहेगी तो।
सर जहाँ तक मैं समझ पाया हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता बासु बासवारी जी, आपसे ये चाहते हैं आपकी कोई ऐसी योजना, आप क्या सोचते हैं इस संबंध में, आप क्या आपके कार्य रूप में ये ऐसी प्लानिंग में कुछ है कि होना चाहिए संविधान संशोधन कि नहीं? आवश्यकता पड़ेगी तो अवश्य संशोधन होगा, अगर उसमें स्थिति बन रही है तो संशोधन होना चाहिए। देखिए ये मेरे सवाल कॉमन है सारे सचिव महोदय से और सारे अध्यक्षों से होंगे, मैं इसको पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, रिपीट नहीं करूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, हमारा कार्यकाल कोरोना ने खा लिया था जो हमने योजना बनाई थी, लेकिन लाइब्रेरियन, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इनके लिए प्रैक्टिस का अनुभव की कोई बाध्यता नहीं है, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी नेक्स्ट टू सेक्रेटरी होता है, उसके लिए 12 साल का अनुभव आवश्यक है। इसी प्रकार से जब एक जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए किसी प्रकार के पद की बाध्यता नहीं है, वरिष्ठ कार्यकारिणी के लिए पद अनुभव होना चाहिए 10 साल का। इस बारे में दास साहब के कार्यकाल में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कमेटी बनी थी, उसमें 7 लोग थे जिसमें भी था, हमने प्रस्ताव दिए थे, वो फाइल मैंने वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय श्री बीपी श्रीवास्तव साहब को अभी हैंड ओवर की थी कोठारी साहब के कार्यकाल में, वहाँ भी ये फाइल मूव नहीं हुई। तो आप उस फाइल को मूव करने के लिए कितने प्रयास करेंगे और कितनी कटिबद्धता के साथ में उन संशोधनों को पटल पर रखते हुए स्वीकार कराएंगे? जी भाई साहब, वासु जी अभी ये चुनाव चल रहा है, मात्र 4-5 दिन और बचे हुए हैं, मुझे भी सबका वोट लेना है, इसलिए इस प्रश्न को यही रख दिया जाए और जीत कर आने के बाद आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। पीछे हमारी सपना दीदी खड़ी है, सपना चौधरी दीदी, कृपया सभी से निवेदन है कि भोजन की व्यवस्था भी होनी है, सब महिलाएं हमारी बड़ी बहनें दीदियां सब खड़ी हैं, वो सुरक्षित घर जाएंगी, हम सब लोग वो करेंगे, सिर्फ अध्यक्ष महोदय, जितने अध्यक्ष महोदय के प्रत्याशी उनको सुन लिया जाए, भोजन की व्यवस्था करेंगे। सपना दीदी आप विराजें, आप पीछे सभी जो पदाधिकारी लोग हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर एक नई खबर के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।